बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक नए टॉपिक और नई मेडिसिन के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं कि ये मेडिसिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज की मेडिसिन का नाम है टैबलेट आर्टम डीएस प्लस 80/480 mg। आर्टम डीएस प्लस दो फॉर्म में आती है, 40/240 mg एंड 80/480 mg। आर्टम डीएस प्लस के अंदर जो सॉल्ट है वो है आर्थ्रीमर ल्यूमिफेंट्राइन और आर्टम डीएस एंटी मलेरिया के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाने वाली मेडिसिन है। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमें मलेरिया का बुखार है, मलेरिया का टेम्परेचर है? एक वाजे और विजिबल जो सिम्टम्स होती है, हमें बुखार के साथ बहुत ज़्यादा सर्दी का लगना, कपकपाहट होना, ये एक विजिबल सिम्टम्स है कि हमें मलेरिया का बुखार हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बुखार के साथ सर्दी का लगना वो आपको मलेरिया ही हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं और डॉक्टर से एंटी मलेरिया का टेस्ट रिकमेंड करवाएं और एंटी मलेरिया का टेस्ट लैब से करवाने के बाद आप एंटी मलेरिया की मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो टैबलेट आर्टम डीएस प्लस एंटी मलेरिया के लिए बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं मलेरिया को, टेम्परेचर को ठीक करने के लिए। आर्टम डीएस के अंदर छः गोलियों होती हैं, छः गोलियों का एक पैक है और ये एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं। आर्टम डीएस का 3 दिन का कोर्स होता है, इससे ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी आप मलेरिया की या टाइफाइड की कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं तो वो इस्तेमाल करने से पहले आप ज़रूर डॉक्टर को चेकअप करवाया करें और एंटी मलेरिया का और टाइफाइड का टेस्ट करवाने के बाद उसकी मेडिसिन इस्तेमाल किया करें। और आर्टम डीएस के साथ साथ आप पैनाडोल और एंटीबायोटिक की कम्बिनेशन के साथ मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और आपको जो एंटी मलेरिया का टेम्परेचर है, बुखार सर्दी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, कपकपाहट होती है, तो आप साथ एटम डीएस प्लस एक गोली सुबह एक गोली शाम खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो मलेरिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 15 साल से लेकर 18 साल तक के नौजवानों के लिए आर्टम डीएस प्लस 40/240 mg एक गोली सुबह एक गोली शाम खाने के बाद 3 दिन इस्तेमाल करेंगे और अडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए आर्टम डीएस प्लस 80/480 mg एक गोली सुबह एक गोली शाम खाने के बाद 3 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपकी जो सर्दी बहुत ज़्यादा आपको लगती है, कपकपाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्द फ़ायदा होगा। और आर्टम डीएस की पैकिंग में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 6 गोलियाँ होती हैं, 6 गोलियों का एक पैक है और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 515 रुपीज़ 515 रुपये का एक पैक है, एक डब्बी है। और ये एंटी मलेरिया के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाने वाली बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, सबसे अच्छा ब्रांड है, एल्टन फार्मा की प्रोडक्ट है। अगर आप इसको मलेरिया में इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका मलेरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे पुराने व्यूवर से भी रिक्वेस्ट है कि वो हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी हमारी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनको फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।